नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के नौतन प्रखंड के वार्ड संख्या 4 की वार्ड सदस्य देवांती देवी ने नौतन के प्रखंड पंचायत पदाधिकारी को एक आवेदन दिया और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नल जल के अवैध रूप से पाइप को काट दिया गया है और इसी को लेकर के उन्होंने आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन दे करके कहा है कि आम सभा 8 सितंबर को सुबह 10 बजे बुलाया गया, जहां पर नल जल का पाइप जबरन काट दिया गया है। पाइप काटने से वार्ड संख्या 4 के हर घर में पानी जाना बंद हो गया है तथा इसी वार्ड में कुछ सरकारी पौधे लगे हैं जो पानी बिना सूख रहे हैं। इसके पूर्व एक माह पहले भी पाइप काट दिया गया था, जबकि VPRO नौतन द्वारा समझौता करके पाइप जोड़ा गया था। पानी पूरे वार्ड में चालू हो गया था, जबकि दिनांक 7 सितंबर 2023 को रात में फिर पाइप काट दिया गया। और इसी को लेकर के देवांती देवी जो वार्ड जो BDC हैं, वार्ड सदस्य हैं 4 की, उन्होंने आवेदन दिया है और आवेदन दे करके प्रखंड पंचायत पदाधिकारी से गुहार लगाई है। आइए सीधे ले चलते हैं कि लोगों ने क्या कुछ कहा। ATN लाइव के लिए प्रभात के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। ऊपर जोड़ा सकता। से नहीं हटेगा नल जल, यहाँ से नहीं हटेगा, ना यही रहेगा। वो चल जाएगा तो ही कुचागा, कोई जहर डाल देगा, इतनी लोग जानवर आदमी मर जाएंगे, कौन कौन की बीमारी लगा। तो आखिर मुखिया जी को क्या परेशानी है यहाँ लगा हुआ है? तो यहाँ क्या परेशानी है वो जानते हैं मुखिया। हम लोग तो कहेंगे यही रहेगा, गांव के बीच में रहेगा, सुरक्षा में रहेगा, यहाँ इनकी से सुरक्षा है। वार्ड नंबर 4 यही ना है? हाँ, 4 यही है। तो फिर कहाँ ले जाने की बात हो रही है? वो हो रहा है खाप में ले जाने की बात। अच्छा, वो खाप में पड़ता है। और वहाँ से पानी आएगा यहाँ? वहाँ से पानी आएगा यहाँ, कहीं हो सकता है। एक हुआ है बोरिंग, एक दूसरा कराना पड़ेगा। सरकार को कितना क्षति कराइएगा, कौन करेगा, कौन देखेगा? वहाँ वार्ड के अपना अथी करी। हाँ, वार्ड के हम चाहते हैं ना, जी उपेंद्र जी बढ़िया चलाते थे, ये चलाते रहे, यही रहेगा, यही चलेगा। तो रउलो उजाड़ पुजाड़ हुआ है तो इसको मुखिया को पूछना चाहिए कि क्यों बार बार को पानी को डिस्टर्ब किया जाता है, जानवर मरता है पानी बिना, आदमी गरीब मरता है, अमीर भी पानी पीता है इसका। सरकार व्यवस्था किया है पानी के लिए? सरकार ने व्यवस्था किया है, कोई घर का नल तो है। रउल वाला अधिकारी से मिली लो, रउल साथ जाके वो तो हम तो मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब ना टाइम आया है मिलने का, कहने का। कितना दिन से खराब चल रहा है ये? 10 दिन से उजाड़ कर बिक दिया है सब पाइप को। नाम बता दिया अपन। राम आशीष राय, खलवा पंचायत। परेशानी बा, जब पानी बगैर मरते जब न तभी यहाँ का काट देता नहीं, काहे काट देता नहीं, के काटत है सोखा बाबू काट देता नहीं। तो वहाँ का परेशानी बा बताएं? वहाँ का जानता जे का परेशानी बा, वहाँ का जमीन में बता, वही बार कहले रहती जे हमरा जमीन में ना होली, धरती पर बता केहू से झगड़ा होता बाबू, केहू से राई होता, तो ई काहे ना जब न तब काट देता नहीं। अच्छा, ओकरा कहे के चाही नु जे ना यहाँ हमरा जमीन में ना होली, माने रउवा लोगन के जाय देबे के जैसे
ना कहे जाए ना जाए हमी के जाए तो हमी के देखदारी बा भाई हमी के छोट छोट बच्चा बच्चा ए जा बानी या चल जाए जब पश्चिम खलवा पूर्व खलवा जे बाबू तनी पानी चलाए बा ओजे जब तो लोग अपन अपन दीदी चलाई ए जा कबो पानी के जरूरत होला तो मिल जाए हमरा घर जग परे परोजन परे कौनो जे परोजन परे तब को जे बाबू पानी तनी चालू कर दी यहाँ के चालू कर दिले आ ओजे जाए पानी तो लोग अपन दीदी चलावे लगी नाम बता दिया अपन दुर्गावती देवी बताइए आपके वार्ड में क्या ऐसा हुआ है कि आप लोग इकट्ठा हो गए हैं बताइए हमारे वार्ड में इस रीजन के पूर्व में भी हम वार्ड सदस्य थे उस समय से हमको जल नल के संबंध में रोड नाले के संबंध में पर कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित तबाह किया जाता है जो कि सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाया जाता है हमारे आम जनता के भी इससे बहुत परेशानी उठानी कष्ट उठाना पड़ता है मैं अपने वार्ड अध्यक्ष से मैं उब चुका हूँ वर्तमान में कई बार का जल नल का मेन पाइप वाल तोड़ा काटा पीटा गया है उसको मेंटेनेंस कराते करते चले आ रहा हूँ वर्तमान में अभी एक महीना पहले जल नल का पाइप जनकदेव भगत सोखा द्वारा काटा गया था जिसके लिए मैंने आवेदन और सूचना जेई पंचायत पदाधिकारी को मैंने ब्लॉक स्तर पर दिया था अदर मुखिया को भी दिया था उसमें हमको ब्लॉक में बुला करके काटने वाले को बुला करके बहुत जांच पड़ताल प्रताड़ित करके उस पर फाइन लगा करके एक बार छोड़ने का बीपीआरओ द्वारा मौका दिया गया और मुझसे कहा गया कि ये पैसा उपेंद्र वार्ड सदस्य आपको दिया जाता है इसको 24 घंटे के अंदर बनाकर चालू करें मैंने वैसा ही किया सब कुछ बना करके चालू कर दिया उनको हिदायत दिया गया सरकार के नियम के अनुकूल बीपीआरओ मैडम द्वारा बात समझाई बताई गई काटने वाले को और हमको भी कि जमीन के अंदर 3 फीट नीचे जो जा रहा है वो सरकार का जमीन उसको काटने का अधिकार नहीं है बिना सूचना दिए क्यों काट दिया तुम पर कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई होगी तुम जेल जाओगे ये है उसके बावजूद भी कल रात में 12 बजे रात को पाइप परसों 12 बजे रात में 20 फीट पाइप काट करके निकाल दिया गया बताइए कि ये किसके द्वारा ये खलवा हमारे ही वार्ड के हमारे ही पटीदार के हैं जात बिरादरी के जनकदेव भगत पिता दीनानाथ भगत और एक उनका सपोर्टर सहयोजक और सलाहकार अनवर साईं फूल मोहम्मद साईं का बेटा है वो जगह जगह पर भी इस विषय पर कहता है कि वो ठीक किए हैं उसमें उसका हिस्सेदारी साझेदारी भी है अदर भी हमारे नाला वाला का सपोर्ट में व्यवधान डाला गया है इन लोगों का हाथ है इस समस्या को लेकर अभी कहां कहां आप मिल चुके हैं ऐसा है इसके पूर्व में बीपीआरओ मैडम द्वारा हमसे कहा गया था कि इसके बाद अगर फिर कोई गड़बड़ी होता है तो हमको सूचना दीजिएगा तो कल ब्लॉक पर हम परसों रात में कटा गया कल गया ब्लॉक बंद था छुट्टी था जन्माष्टमी के आज ब्लॉक खुलने का हमको सूचना मिला है इस समय अपने वार्ड के सभी जनता को बुलाकर वार्ड सभा करते हुए मीडिया द्वारा सब व्यवस्था करके ये सब विवरण दे करके हम हमारे गांव के सभी जनता तैयार हैं बीपीआरओ ब्लॉक स्तर पर जाकर वहां शांतिपूर्ण अपने समस्या को कहने के लिए वहां अब इसके बाद हम लोग जाएंगे दिखा करके यहां पर लोग आवेदन लिख करके साइन करके लोग देंगे सरकार से और पंचायत पदाधिकारी प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा न्याय का मांग करेंगे जिससे हमारे वार्ड के सभी जनता पानी के लिए त्राहि त्राहि है बहुत बार ऐसा हो चुका है इसके बाद हम लोगों का कोई फंडिंग अभी तक नहीं मिला जो जल नल चला रहा है उसका सरकार द्वारा 2000 रुपया मानदेय देने की हो रही है वो पैसा नहीं आ रहा है किस इस काम को चालू कराने के लिए कहीं घूस वगैरह भी दिए हैं बहुत जगह घूस का डिमांड अभी जल नल का मेंटेनेंस का पैसा आया था देने के लिए उसके पहले मुखिया द्वारा डिमांड हुआ था कि 20% कमीशन आप देने को कहिए हम भेजवाते हैं तो वो पैसा हम लोग घूस नहीं दिए कमीशन नहीं दिए वही एक किस्त आया गया बाद में एक मोटर चला तो किस्त भेजा गया उसके बाद हम लोग का मेंटेनेंस का या उसके बाद अनुरक्षक का उसके बाद हम लोग का भरता कुछ नहीं दिया गया कमीशन अगर दिए होते तो हम लोग का पैसा ब्लॉक के आला अधिकारी के द्वारा भी मांग किया गया है नहीं ब्लॉक अधिकारी द्वारा हमसे कोई कमीशन कोई डिमांड नहीं किया गया है जेई और बीपीआरओ पंचायत प्रखंड अधिकारी द्वारा हम लोगों का सहयोग में बात बहुत जगह किया गया है करने के प्रयास लगी हुई हुई है उनके आश्वासन दिया गया है कि अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको कहीं हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाएंगे आपके मुखिया जी कुछ सपोर्ट वगैरह इसमें मुखिया जी का सपोर्ट हमको नहीं मिल रहा है वो कहते हैं कि यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाएगा इन लोग ये जमीनी आप लोगों का आपसी विवाद है इसलिए जो है यहाँ से हटा करके जल नल दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए
तो मैं अपने समस्त उपस्थित जनता जनार्दन से मैं निवेदन अपना सफाई देना चाहता हूँ कि मुझे इस जल नल से कोई लालच कोई लाभ नहीं है। मैं अपने को धनवान समझता था, पानी पिलाने को मुझे अवसर सरकार ने दिया था और बड़ी खुशी की बात हो रही थी। जल नल कहीं भी जाए, यहाँ का जनता जहाँ पास करे वहाँ जाए, जिसको सुरक्षा में दिया जाए, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। तो आगे अब कहाँ जाइएगा अगर चालू नहीं होगा? अगर इस पर कार्रवाई कानूनी हमारे पंचायत पदाधिकारी द्वारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नहीं होता है तो मैं जिला स्तरीय पंचायत, जिला पदाधिकारी, पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री तक मैं जाने का प्रयास, हमारे आम जनता साथ में तैयार है। मैं अपने नहीं अपने आम जनता के साथ, जनता की समस्या को लेकर के, परेशानी को लेकर मैं जनता के साथ हूँ। मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का गुलाम हूँ। उनके साथ मैं हमेशा रहने के, उनके पीछे रहने के लिए मैं तैयार हूँ। जनता जैसी मांग डिमांड करेगी सरकार से, मैं उनके साथ रहूँगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उपेंद्र कुशवाहा, देवांती देवी के वार्ड सदस्य, मैं उनका हस्बैंड हूँ और वार्ड संख्या 4 खलवा पंचायत। चलू ना अभी तरह कहाँ ले जाए बताए? हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। अच्छा हाँ, क्या समस्या है आखिरकार बताए? समस्या हम लोग पानी में परेशान हो रहे, मर रहे। बढ़िया पानी है, इतना बढ़िया पानी है कि कोई दवा की जरूरत नहीं है। अच्छा, बार बार एक महीने पहले काट दिया गया, कोई दवा डाल दिया, 5-7 दिन से काट के बैठे हैं सब। कहाँ पानी पीने जाए? रिटायर आदमी है, बता दीजिए। हम रिटायर आदमी, किससे रिटायर, क्या करते थे? इंटेलिजेंस ब्यूरो। अच्छा, नाम बता दिया आप? बी ए बी कॉम बी एस सी एम ए एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, साथी हॉस्पिटल बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618।